नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ दोनों मेरे 12th के नाते बेटे हैं। आप आयते कड़वा है, 12वीं के साथ आपका स्कोर है 660। आप रमेश गुप्ता है, आपका स्कोर है 660। दोनों 660 नंबर पे हैं। आप अलवर ब्रांच के बच्चे थे हमारे, लॉकडाउन के कारण वहां क्लास नहीं लगा पाए। आपको मैंने फोन किया, आप सीकर आए, आप 660 मार्क्स लेके आए हैं। आप 660 नंबर है, आप भी बिल्डिंग रहे, आप साथ रहे पेरेंट्स के, आपने रूम लेके रहे, तो दोनों बच्चे 660 नंबर पे हैं, 12वीं के साथ है। फिर से कहता एक सपना हुआ करता था कि 12वीं के साथ रिजल्ट निकले, और अब रिजल्ट भी 12वीं के साथ रैंक आना स्टार्ट हो गई है। दोनों टॉपर आप जानते हो 12वीं के चालू है, ये सब वो बच्चे 12वीं के साथ एक बड़ा स्कोर दे रहे हैं। तो आदित्य के पिताजी, आप हनुमानगढ़ से हैं और आप अलवर से हैं, आप कुछ बात रखें अपने बीच। सबसे पहले मैं CLC परिवार बोस साहब का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इनकी मेहनत से आज बच्चा इस मुकाम पर स्थान पाया है। इससे पहले मैं रावत सर हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ, एल नवा सिरसा में संस्कृत अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस बच्चे की जो संघर्ष की कहानी है, मैं इसको IIT के लिए सीकर छोड़ के गया था 2 महीने और हॉस्टल में रखे गया था। तो बच्चे ने कहा कि IIT में तो मेरा सिस्टम नहीं बन रहा है, मैथ में मेरे नंबर कम आ रहे हैं। फिर मैं जैसे ही बोस साहब के संपर्क में आया, मेरे को बच्चे की ये स्थिति है, इसको क्या करें, तो क्या आप मेरे को बच्चे को सौंप दो, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। तो बच्चे का समर्पण भाव और बोस साहब का समर्पण भाव और इनका एक आदर्श वाक्य है कि मैं कड़वा सरा और आप कड़वा, इस बात से इस बच्चे को इतना मोटिवेशन मिला कि जब भी इसके कोई प्रॉब्लम हुई वो साहब के साथ आया और कि भी मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को कहा ये मेरी प्रॉब्लम है। आप यकीन करेंगे कि 2 नवंबर 2019 में आपने घोषणा की थी कि इस बच्चे के नंबर 650 प्लस आएंगे, जो कि मेरे पास डाटा है इस बात का। और जैसे ही मतलब मैं आता हूं, इसे संपर्क करता, ये इनके साइन किए हुए 2 नवंबर 2019 को मैं विजिट किया था और उसमें ये बच्चा 11th में था। यहाँ CLC ने इस बच्चे को 1 अगस्त 2019 में लेके आया था, 4 महीने IIT पढ़ा के। फिर इसने अपना प्रदर्शन दिखाया, बच्चे ने जैसे ही पेपर दिया कि मैं सारे क्वेश्चन करके आ गया, मैंने कहा मामला गोल हो गया, सारी करके आ गया तो नेगेटिव में जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे ने आके जोड़े कि मेरे 665 नंबर बन रहे हैं, एक में कोई वेरिएशन आ गया, लेकिन फिर भी बच्चे के नंबर 660 12वीं के साथ है। मैं पूरे CLC परिवार का ऋणी हूँ। मेरी बुढ़िया KVM में 6th क्लास में इसके साथ जो भी परिवार आ रहा है, 6th और 7th में ये दिनरत है, और ये चाचा का इसका बेटा भाई है, मैडम है, और मौसी के बेटे की, परिवार पूरा खुश है कि भी आज बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है। और पूरे हमारे टीचर समाज में बड़ी इज्जत बनी है, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके बाद में मेरे पास इतने ऐसे काउंसलर के रूप में फोन आ रहे हैं कि सर आप बताओ कैसे करें, आपने बड़ी मेहनत की। मैंने कहा भी मैं ट्रेन में गया, मैं बस में गया, मैं नहीं गया, कितना आप कर पाओगे क्या, क्या वो हम सारा कर लेंगे, नहीं हम बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर देखा सकते हैं। इसके बाद में लगातार संपर्क में डेली मेरा बोल साहब से बात होती है कि आज ये बच्चा आ रहा है, आप उसको गाइड करना, तो बिल्कुल आइए, काम मेरी जिम्मेवारी है, आप बच्चों को भेजो, आगे काम संभालना मेरा है। तो बड़े ही हमें 3-3 सुबह बड़ी बोल साहब के हिसाब से बोली हुई है कि आप बिल्कुल, आपको खाटू श्याम जी, भीड़ माता, क्षेत्रपाल जी सारा कह दिए, बस आप लोग बिल्कुल मिठाई खाएंगे, और बच्चे ने बड़ा नाम रोशन किया है, हम तो पूरा परिवार खुश है। बोस साहब का अंत में मैं धन्यवाद, पूरे CLC टीम का धन्यवाद। यहाँ मैं ये कहता हूँ CLC में जो भी, ये मत समझो कि केवल बोस है, बोस एंड CLC टीम, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी का ही रोल रहता है। यानी मैंने मॉडल लॉकडाउन के अंदर मैंने कहा मॉडल की जरूरत है, क्या आप कहाँ हो, मैं गेट पे आया हूँ, क्या गेट के पास मॉडल आपके पास मिल जाएंगे, लेकिन कोरोना है थोड़ा ध्यान रखना, अब इससे ज़्यादा वो कोऑपरेट बंदा क्या करे। तो मैं तो पूरा ऋणी हूँ, और अंत में मेरी वाणी को विराम देते हुए कहूँगा भावी बच्चों के लिए संदेश कि जो बच्चा चाहे वो सीकर जाए चाहे कोटा जाए विजिट करे, लेकिन एक बार CLC का विजिट जरूर करे, एक बार CLC का विजिट जरूर करे, वो जरूर देखे, क्योंकि यदि हम ये कहेंगे आप CLC में आओ तो वो सोचेंगे कि इनका कोई आपसे कोई टाइप होगा, क्योंकि आज तक टाइप सीकर में है, मैंने ये महसूस किया है, लेकिन वो विजिट करके देखे, उनको ये लगे कि भी कौन सा संस्थान बढ़िया है, वो अपने आप उनको पता लग जाएगा ये घी और ये डालना है, हम तो देसी बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत राम कुमार जी ने बहुत गहरी बात कही, मैं वीडियो शूट करा इस बात को। एडमिशन 3 प्रकार से होते हैं, एक सीधा को गार्जियन आया
यूट्यूब देखा, जैसे पांचाल साहब देखा तीन से आगे, एक किसी सिलेक्टेड बच्चे कहने से आए, वो सही रास्ता है। एक हमारे सीकर में दलालों का जमुआड़ा है, यहाँ पर एजेंट का जमुआड़ा सड़कों पे, उनके धक्के चढ़ जाते हैं, हम तो डूबे तो डूबे सनम तुम्हें लो डूबते, उनको कोई मतलब नहीं है। वो एक मुर्गा फंसा लिया, उनको देखे आगे पीछे बाबू होता है और 10 रुपए दिए। मैं इस वीडियो में कह रहा हूं, जिस दिन श्रावण ये काम करने लग जाए, हे मेरे गुरुजी मेरा साथ छोड़ देना चाहिए, मुझे दलाली के पैसे नहीं चाहिए साहब, मैं किसान का छोरा हूं, खेती करके जमीन का सीना ठोक के नाथ पैदा कर सकता हूँ, दलाली खानी है सुतरी यार, तो फिर और करें काम करें, मास्क किसे बढ़े। अरे मैं लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज बच्चों के साथ दलाली नहीं करें आप, उनको सही जगह पहुंचाए, उसी की देने के हजारों हजारों बच्चे ढंग से बच्चे या खराब हो जाते हैं साहब। ये आपने बात कही से बोल रहा है, मैंने बोलता हूँ लोगों में सिलेक्टेड बच्चे गांव में क्या कहता है, मेन चीज हुआ है। तो ये हमारे कड़वा जी थे। अंत में मैं एक और बात याद मेरे आगे ध्यान में, मैं 3 अगस्त 2021 को वोट साहब के पास आया था, आपने कहा कार टिकट वही कराओ। हाँ, मैंने कहा बोलो सर आप कैसे घूम रहे हो। मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि अभी महीना डेढ़ महीने का टाइम है, कौन सी ऐसी बातें रहेगी जो पेपर में बच्चों को हम बता सकते हैं। तो वो साहब ने कहा बेटे से वीडियो कॉल कराओ, मैंने तुरंत वीडियो कॉल की बच्चे ने, और उस मोटिवेशन में ये कहा कि बच्चे को मौलाना जा तो मिला हुई एम्स के लिए कैरी कर, ये लाल पेन से लिखा हुआ है। तो इससे बड़ी कहने का मतलब है, इस बच्चे ने, मैं ये मानता हूँ कि इसने 70% तो मेहनत की और 30% मोटिवेशन से हुआ है, प्रेरणा जो है वो सबसे बड़ी चीज है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, बोलना चाहेंगे आप? अच्छा बोले। जय सी एल सी बॉस, मैं आदित्य कड़वा रावत सर हनुमानगढ़ से, मेरी 2634 रैंक है और 11th मेरा ऑफलाइन रहा, 12th ऑनलाइन, और सारे टेस्ट दिए मैंने। टेस्ट से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, आपको सारे टेस्ट देने चाहिए जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। थैंक यू डियर। अब मैं आऊँगा लवेश गुप्ता के पास। लवेश गुप्ता मेरे कहने से सीखकर आया, आज ये सफल है, परिवार सफल है और इसका बहुत सफल है। लवेश गुप्ता मेरा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लवेश गुप्ता, मेरे नीट स्कोर 660 है और मेरी ओवरऑल रैंक 2741 है और मेरी कैटेगरी रैंक 300 है। तो मैंने 4 अप्रैल 2019 में CLC ज्वाइन करी। CLC ज्वाइन करने के पीछे मेरा ऐसा कोई खास मकसद तो नहीं था कि मतलब मेरे को CLC ज्वाइन करनी, मुझे इतना पता था 10th में तो मेरा था कि मैं कोटा जाऊंगा, पर मेरी बोर्ड में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो घर वालों ने बाहर भेजने से मना कर दिया। तो फिर मेरे को इतना पता था अलवर में हूँ तो CLC बेस्ट है, अब आगे पता चल रहा है यहाँ तो हर जगह ही CLC बेस्ट है। तो फिर मैंने तो 11th में CLC ज्वाइन करी, मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चला, हमारे लगभग 16 माइनर हुए थे जिनमें से 8-9 माइनरों में मैंने ओवरऑल फर्स्ट रैंक लगाई। तो जिससे मुझे ये पता चला कि बॉस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि यहाँ रहते हैं मैक्सिमम टाइम, यहाँ रहते हैं ऐसा नहीं है कि यहीं के बच्चों पर ध्यान देंगे उनको, मतलब साहिल सर भी आए थे एक बार मिलने, मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे जानते थे कि लवेश गुप्ता कौन है। तो अब ऐसे चलता रहा, बॉस भी आए एक बार मीटिंग कर रहे हैं तो मिल के गए, फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हुए तो ब्रांचों के बच्चे हुए हैं, क्योंकि जैसा बॉस ने बताया हमारे तो टीचरों ने भी थोड़ा कर दिया था तो हम बहुत डिस्टर्ब थे। तो बॉस ने अब हमें लिस्ट भेजी ब्रेन सर को कि इन बच्चों को लाना है, और मेरे से तो वीडियो कॉल पर कहा था। तो जैसा कि बॉस ने कहा कि मैं ही आया हूँ 12th से तो और कोई नहीं आया, और मैं ही निकला हूँ, सारे लोग अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो फिर खेल होता था क्योंकि मेरे को इतना पता है कि अगर नहीं हुआ ना तो मैं बहुत के सिर पड़ूंगा फिर लेकिन अगर हो गया तो इन्हीं की जिम्मेदारी, और एक इतना बड़ा आदमी बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होएगी। तो फिर हम आए, तो अब फिर इसका बी बिल्डिंग मिली, मेरे को सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये हुआ कि बी बिल्डिंग मिली, विवेक जैसा रूममेट मिला, तो हमारी परफॉर्मेंस चलती रही। और जैसा बॉस कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो माहौल का होता है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, आप माहौल से बनते हैं असली, जो बनते हैं कंपटीशन बनाता है आपको जो बनाता है। तो हमारा कंपटीशन चला, पेपर्स चले, माहौल अच्छा मिला, मेरा आज ये स्कोर बना। और जैसा बॉस कह रहे हैं कि विश्वास तो ऐसा है कि हमने हमारी बहन का भी, मेरी बहन का 11th फाउंडेशन में नीट में एडमिशन करवा दिया CLC अलवर में। और बॉस आपको पता है कि मेरे इसके एडमिशन में इसका मतलब हमारा कोई रोल नहीं है कि इसको बायो दिलानी थी, CLC में भेजना था, आप जो मेडल सेरेमनी करते थे, मोटिवेशन करते थे, उससे ही इसका माइंड सेट हो गया कि मेरे को जाना है तो CLC जाना है। इसने पापा से कह दिया तो मुझे CLC में बायो दिलाओ या फिर आपका जो सब्जेक्ट आपको दिलाना है कहीं भी दिलाना दिलाओ, तो ये विश्वास है। और मैं अगर बताऊँ तो मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा मेरी बहन को नॉलेज है कि मैं कैसे पढ़ता था, क्या पढ़ता था, मेरे क्या स्कोर चल रहा है, और मुझे मोटिवेट भी यही करती थी, मेरे से छोटी है 2 साल फिर भी मुझे ये मोटिवेट करती थी। तो इन्हीं का ही बहुत बड़ा रोल है। और
ये आप ये देखें सिलेक्शन रेट कि हमारे यहाँ से हर छठा बच्चा मेडिकोज में जा रहा है, मतलब मेरा लगभग लगभग दोस्त सेलेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हो सकता है हम सारे साथ ही कॉलेज में जाएं, इसलिए थैंक यू बॉस। थैंक यू सर, इज्जत साहब, धन्यवाद बॉस। जैसा लवेश ने कहा और सर भी कह रहे हैं कि एक बार सीएलसी की विजिट जरूर करो, सर हमने तो कराई नहीं एक विजिट है। क्या बात है, सीएलसी में गए एडमिशन करा के वीरेंद्र सर का इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि हम आगे बढ़ते ही चले गए। लाइफ में बॉस ने कहा ऐसे कि लवेश खुशी करा ले, शायद इतने पेरेंट्स बैठे मैं ही ऐसा हुआ जो गोरी बिस्तर बांध के सीता, ये पूछा ही नहीं क्या फीस है क्या नहीं है, आते कोई ये लो। तो मैं तो यही कहता हूँ विश्वास करो तो पूरा करो। थैंक यू मुझे सिर्फ बात बोल। आप बोलना मैडम आपको कुछ। जैसी एलसी मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। क्या बात, थैंक यू बेटा। तो ये देखो बच्चे भारती के साथ हॉस्टल में रहते हैं, पिता के साथ रहते हैं, पूरा परिवार जुड़ जाता है, आपकी बहन आपकी छोटे बहन भाई, तो एक परिवार है। एक बात और कहना चाहूंगा, सीएलसी जो परिवार जुड़ जाता है उसमें कभी एक सिलेक्शन नहीं होता है, जो परिवार जुड़ गया दो तीन पांच लाइन लग जाती है और जिनके पल्ले पड़ते ही नहीं तो गाँव में हलवा खाए ही नहीं किसी ने, उनके बाद हलवा क्या होता है। जो आज के टाइम में लोगों को लगता है इतनी सीधी बात कर रहा है तो मतलब कहीं ना अंदर ये बहुत झूठ टाइप का चित्र होगा। अब भैया झूठ नहीं, यहाँ तो नाथ जी का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है, परिवार आराम से चल रहा है, इज्जत चल रहे है। हमने क्या पाया क्या खोया पता नहीं। मेरे पिता ने एक बार कहा था मुझे जब मैं इलेवन पढ़ता था, मैं जिस आदमी की औलाद वो होने को अध्यापक थर्ड ग्रेड के, उनकी सोच देखो आप। मैं इलेवन में था, एक गाँव का सामान्य सा एक किसान अध्यापक, उस समय मुझे कहते हैं कि यार मेरा एक सपना है कि बहुत गहरी बात कर रहा हूँ आपको, बोले गांव का ठेठ गांव का अध्यापक, जहां मेरे गांव में पीने का पानी नहीं था, पता नहीं क्या मेरा ये जानते हैं सब लोग। उन्होंने कहा कि मेरा एक सपना कि तेरे नाम से लोग जाने मेरे, और आज मैं बहुत यो प्राउड से कहता हूं कि मेरे पिताजी राजस्थान हरियाणा इन दो स्टेट में तो भी जो पढ़ाने का आदमी बोल दे तो बाप उस सीएलसी वाले का तो सब जान जाते हैं। वो कहते हैं मैं खुश हूं यार, वो खुश है ना तो भाई जी भगवान खुश है, बाकी बाढ़ हो जाएगा बाप खुश दुनिया खुश। और ये तो उसको मकसद होना चाहिए, आपके पेरेंट्स खुश है ना तो आप चाहे चाय की दुकान ही क्यों ना चलाओ कोई बुराई नहीं है, और वो दुखी है ना तो भाई साहब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ ही बन जाओ, जिन्होंने पैदा किया वो खुश नहीं है तो मतलब क्या थे। तो दोस्तों ये बच्चे थे बारहवीं के साथ विश्वास किया, लवेश कुत्ता बिस्तर बांधता सीख रहा तो सेलेक्ट हो जाता है, और अलवर के तो प्रभाव क्यों, अलवर इसके अलावा किसी, अलवर इतना बड़ा शहर है बारहवीं के साथ और कोई बच्चा नहीं है 660, तो माफी चाहता हूँ अकेला लवेश थोड़ा अलवर को इंटेलिजेंट था, बच्चे होते होंगे बट इसकी क्वालिटी क्या थी, विश्वास जुड़ गया आ गया। थैंक यू।